तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। कब से तरस रहा था मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। आज उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, यह है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 3। मैं हूं आरजे नरेश कुमार और लेकर आ गया है एक और ब्रांड न्यू शो, बिल्कुल ब्रांड न्यू शो। और खास बात, आज का हमारा स्पेशल शो आपके लिए, जहां पे हम आ गए अपने स्पेशल गेस्ट के साथ। जी हाँ, वीक पूरे मंथ के दौरान हम आपके साथ शो करते हैं, डिस्कस करते हैं बहुत से इश्यूज, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ से जुड़े हो या आपके सोशल लाइफ से जुड़े हो। लेकिन इसी मंथ के दौरान एक शो होता है जो हमारे स्पेशल गेस्ट के साथ होता है। हमारी पूरी कोशिश होती है आपके साथ कि हम अपने साथ ऐसे स्पेशल गेस्ट लेकर आएं जो आपको किसी ना किसी तरीके से मोटिवेट करें, जिन्होंने कोई मुकाम हासिल किया हो अपनी लाइफ में या एक सोशल आइकन बनकर सामने आए हों। और
ऐसी हमारी कोशिशें लगातार हर मंथ आपको देखने को मिलते हैं जब हमारे पास अलग अलग स्पेशल गेस्ट इस शो में आते हैं। और आज भी हमारे पास एक बहुत ही टैलेंटेड और लिटिल मास्टर स्पेशल गेस्ट हैं जिनकी सिंगिंग से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। बहरहाल और लिसनर्स के लिए खुशी की बात ये कि आप शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप शो में चाहें तो उनके साथ बात कर सकते हैं, उनके बारे में भी बताएंगे, लेकिन जरूरी है कि हम आपको बताएं कि आप हमसे जुड़ कैसे सकते हैं। जो लोग जो लिसनर्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या हमारे स्पेशल गेस्ट के साथ बात करना चाहते हैं उनको हमारी स्काइप आईडी के थ्रू हमको कॉल करना होगा। हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAA N, इस आईडी पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। और चाहें तो अगर आपने इस आईडी को अभी तक अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड नहीं किया है तो बिल्कुल मुझे रिक्वेस्ट सेंड करें, मैं इमीडिएटली आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा और आपको शो में पार्टिसिपेट करवाऊंगा। इसके अलावा आप चाहें तो हमारे मोबाइल नंबर 9015173846 पर भी अपनी छोटी सी एक मिस कॉल दे सकते हैं, उस पर हम आपको कॉल बैक करेंगे, शो में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इस नंबर को आप अपने व्हाट्सएप के लिए भी यूज कर सकते हैं, जी हाँ, व्हाट्सएप के थ्रू भी आप टेक्स्ट मैसेज या वॉइस नोट ड्रॉप कर सकते हैं और हमारे स्पेशल गेस्ट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद साथ साथ हमारा व्हाट्सएप पर रेडियो उड़ान का अपना ग्रुप जिसका नाम है उड़ान लाइव शोज, वहां पे भी आप टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप वॉइस नोट के थ्रू अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। तो ये कुछ माध्यम जिनके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। बहरहाल आप रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप को फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं और दिल से दिल तक का भी फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक करें, ग्रुप को ज्वाइन करें या हमारी वेबसाइट विजिट करें www.radioudan.com और फीडबैक सेक्शन में जाके भी आप अपनी राय, अपनी सलाह या अपनी बात हम तक शेयर कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। तो ये कुछ माध्यम जिनके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, आसान मीडियम्स हैं, स्काइप और मोबाइल नंबर जो हमने आपको बता दिए हैं उनके थ्रू आप कभी भी शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं 10 से 11 बजे के बीच में आज यानी कि इस टाइम। और जिन स्पेशल गेस्ट की बात कर रहा हूँ, एज में बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत टैलेंटेड हैं, इनकी एज सिर्फ 13 साल है अभी, ये बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं, बहुत सारे टीवी शोज में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, लाइव परफॉर्मेंस बहुत सारी आपको सुनने को मिलेंगी। मैंने कोशिश की है कि कुछ लाइव परफॉर्मेंस जो बहुत अच्छी हैं वो आपके लिए पेश की जाए यहाँ पे। कुछ गाने अब जो आपको मिलेंगे वो उनके ही गाने होंगे, उन्होंने ट्रैक पे गाए हैं या लाइव परफॉर्मेंस में, वो भी आपको शो में सुनने को मिलेगा। तो कुछ इनके बारे में और बहुत कुछ है इनके बारे में जानने को, क्योंकि इतनी छोटी एज में इतना कुछ करना अपने आप में इंटरेस्टिंग और काबिले तारीफ बात है। और वो लिसनर्स जिनको प्रतीक्षा है अपने टैलेंट की, उनके लिए आज थोड़ी सी ये बात कि हम दो रिकॉर्डिंग्स मेरे पास अवेलेबल हैं, लेकिन आज हम अपना एक अलग से जो सेगमेंट होता है हमारा मेरी आवाज़, वो पेश नहीं करेंगे, क्योंकि हम पूरा जो घंटा है पूरा आर जो है अपने स्पेशल गेस्ट को डेडिकेट करने वाले हैं। तो उन लिसनर्स के लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी या वेट करें आप नेक्स्ट वीक के लिए जब हम आपकी रिकॉर्डिंग्स प्ले करेंगे मेरी आवाज़ सेगमेंट में। तो बहरहाल ये पूरा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है मैंने आपको अपने स्पेशल गेस्ट का सस्पेंस बनाने के लिए। बाकी अभी मैं उनका एक गाना आपको यहाँ पे सुनाऊंगा, उस गाने को सुनेंगे, इंजॉय करेंगे आप, उनके बाद उनकी जो कैसी सिंगिंग है वो आपको पता चलेगी। भजन भी गाते हैं, सब तरह के गाने उन्होंने गाए हैं, चाहे वो देशभक्ति हो, भजन हो, गजलें हो या कुछ भी, जो सब तरह की सिंगिंग करते हैं। तो उसका एक नमूना हम आपके लिए पेश करते हैं, उनके बाद डायरेक्ट उनसे जुड़ेंगे और आपकी बात कराएंगे आज के स्पेशल गेस्ट से। हमारे स्पेशल गेस्ट कौन है नाम भी नहीं बताया मैंने, इसीलिए क्योंकि थोड़ा सा सरप्राइज और सस्पेंस बना रहना चाहिए। तो चलिए पहला एक गाना सुनते हैं, उनका ही रिकॉर्ड किया हुआ ये गाना आपके लिए प्ले कर रहा हूं मैं, और मैं आऊंगा आपके पास इस गाने के बाद। हेलो, कौन? मैं प्रतीक बोल रहा हूँ, आप कौन? मैं वासुदेव कृष्ण बोल रहा हूँ। अच्छा, भगवान जी, कृष्ण भगवान जी। हाँ वत्स, कहो क्या कहना है? भगवान, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। अच्छा, प्लीज लाइन पर बने रहिए। ठीक है, कहिए। Thank you.
वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, यह है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन थ्री। मैं हूं आरजे नरेश कुमार और आज हम आपके लिए लाए अपने स्पेशल गेस्ट को जो हमारे साथ दिल्ली से हैं और बहुत टैलेंटेड हैं। छोटी सी एज में सिर्फ 13 साल के हैं और बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं। एक नमूना आप उनका देख चुके हैं, ये उनका ही रिकॉर्डेड सॉन्ग था जो आपने अभी भी सुना। और चलिए अब सीधा टाइम आ गया कि हम उनके साथ जुड़ें, उनसे बातें शुरू करें अपना। और मेरे साथ अभी दिल्ली से हैं प्रतीक सरफ जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आज के हमारे गेस्ट हैं। प्रतीक आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल से दिल तक सीजन थ्री के इस एपिसोड में जो स्पेशल गेस्ट के लिए है, स्पेशली बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। प्रतीक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताएं आपके, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं लिसनर्स को। आपको बहुत सारे लोग अभी इस टाइम सुन रहे हैं इंडिया और इंडिया के बाहर। मेरा नाम प्रतीक सराफ है जी। और मैं 13 इयर्स का हूँ और मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। ओके। मैंने म्यूजिक की शुरुआत जब मैं 6 इयर्स का था तब से मैंने की थी और मैं काफी सारे शोज भी कर चुका हूँ और मैं दूरदर्शन पे भी आ चुका हूँ एक बार। ओके। प्रोग्राम का नाम है मेरी आवाज सुन जी। तो ये है प्रतीक सफर जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बहुत खुशी की बात ये भी है लिसनर्स की, इनके मम्मी और पापा भी हमारे साथ हैं शो में। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है शो में। थैंक यू। धन्यवाद। जी आप दोनों जरा लिसनर्स को अपना नाम बता दें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें अपना अपना। मेरा नाम मनोज सराफ है, मैं प्रतीक सराफ का पापा। मैं स्वाति सराफ हूँ, प्रतीक की मम्मी। तो ये दो लोग हैं जो प्रतीक के साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं प्रतीक को। विजन की प्रॉब्लम है, टोटल एब्सेंस ऑफ साइट है, वो देख नहीं सकते हैं, फिर भी छोटी सी एज में बहुत कुछ कर रहे हैं प्रतीक। और इतनी कोशिश है उनकी कि आप चाहें तो उनको YouTube सर्च कर सकते हैं। YouTube पर अगर आप सर्च करेंगे उनको तो प्रतीक सरफ के नाम से आप करेंगे तो आपको बहुत सारे गाने उनके वहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे। मनोज सर आप बताएं थोड़ा सा प्रतीक के बारे में कि थोड़ा सा उनकी डिसेबिलिटी के बारे में, उनके म्यूजिक पे हमें बात करनी है पूरी, तो थोड़ा सा बताएं प्रतीक के बारे में, आप कैसे कहना चाहेंगे प्रतीक के बारे में। ये जब छोटा था करीब 4 साल का, जब इसने मतलब ऐसे ही म्यूजिक बजा रहा था कुछ किसी भी चीज से, तो हमें पता चला कि इसको म्यूजिक शुरुआत करवाएं। इसका इंटरेस्ट देखा हमने, फिर हमने इसके लिए गुरु खोजने शुरू करे। जब हमें पता चला एक हमारे ब्लाइंड एक टीचर हैं और बहुत अच्छा सिखाते हैं जी, उनसे इसकी शुरुआत करवाई। हम पहले तो सोचते थे कि कैसे देखेगा ये, कैसे बजाएगा हारमोनियम, लेकिन ये तो पहले दिन इतना अच्छा इसका लगा बजाते हुए, देखते हुए हमें बड़ी खुशी हुई जी। उसके बाद धीरे धीरे इसने इसकी मतलब बहुत जल्दी कैच करता है गाने को। एक गाना मुश्किल से इसको अगर हम लेके सुनाएं या सिखाएं तो 15-20 मिनट में पूरा याद कर लेता है ये। ये बचपन से इसका ये है और इसका एक टैलेंट और भी है, इसको कोई भी डेज बताएं तो ये उसकी डेट बता देता है जी, चाहे किसी भी ईयर्स की हो, कोई भी डे हो। और लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल सब कुछ चलाता है ये खुद ही, और हमें आश्चर्य होता है कि एक नॉर्मल इंसान जो चीज नहीं कर पाता ये सब कुछ कर लेता है, उससे भी ज्यादा बढ़ गया। तो इसलिए हम और बच्चों को भी यही कहना चाहेंगे और पेरेंट्स को भी कि वो भी अपने बच्चे को ऐसी जगह ले जाए और उनको इस तरह से मोटिवेट कराए कि ऐसे बच्चों को अपने से कम ना समझे जी। आप स्वाति मैम आप कैसे देखते हैं, कैसे बताएंगे कि अपने बेटे के बारे में कि प्रतीक को इतने लोग जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं, म्यूजिक में बहुत कुछ हासिल किया और अभी बहुत कुछ करना बाकी और इतना फेमस है, लोग जानते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी मुझे लगता है अभी बहुत कुछ इसको करना है, अभी इतने सारी मंजिल इसके सामने खड़ी है, रास्ते खड़े हैं, उसको और कोशिश करनी है ताकि और ऊंचे मुकाम तक पहुंच सके।
मुझे अभी भी वो दिन याद है जब सबसे पहले उसके गुरुजी आए इसको सिखाने जी। तब मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे, मैं उस दिन को कभी भी नहीं भूल सकती। मुझे ये लग रहा था कि उसकी अंगुलियां जिस तरीके से प्ले कर रही थी हारमोनियम पर, मतलब आई कांट फील इन वर्ड्स, मुझे ऐसे लग रहा था कि कैसे ये कर पाएगा। वो खुद भी, गुरुजी भी ब्लाइंड है, कैसे वो सिखा रहे थे। फर्स्ट डे की मैं बात बता रही हूँ, लेकिन जिस तरीके से जिसकी ऐसे अंगुलियां हारमोनियम पर थिरक रही थी तो मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती। तो इसी तरह से हर एक स्टेप्स, मानती हूँ पेरेंट्स को बहुत सफर करना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है डिसेबल्ड बच्चों के साथ में, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड हो चाहे कैसे ही हो, लेकिन मेहनत के बाद में जब उनकी मेहनत रंग लाती है अपने बच्चे को एक मुकाम पर देखे तो उसकी खुशी एक अलग ही होती है। हम लोगों ने भी खूब मेहनत की और अभी भी कर रहे हैं, एक एक चीज इन लोगों को सिखानी पड़ती है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे उठना है, कैसे बोलना है। शुरुआत में ये सब बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे 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 बच्चे भी इसके यूज हो जाते हैं, इसके जो ब्रदर एंड सिस्टर है वो भी इसको सपोर्ट करते हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर किसी फैमिली में ऐसे बच्चे हैं तो सारे फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट करना चाहिए, ओनली पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, फिर वो बच्चा और जल्दी वो चीज कैच कर पाता है। तो ये है माता पिता प्रतीक के। प्रतीक, आपके बारे में बहुत सारी बात हो गई, प्रतीक कुछ बताएं थोड़ा सा, और कोई सबसे पहले लिसनर्स को क्या सुनाएंगे, कुछ याद आता है जो दो लाइनें गा के सुनाएं लिसनर्स को? मैं सोनू निगम साहब का गाना सुनाना चाहता हूँ, गाने का नाम है कुछ में कहीं जी। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा था मेरा अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियां चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, ओ धूप में जलते हुए तन को, छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे सलाने से फिर खिल गई, कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगाता है, कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियां चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। तो ये है प्रतीक जिनको आप सुन रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन गाना उन्होंने सोनू निगम का सुनाया आपको। अगर आप प्रतीक से बात करना चाहते हैं, इनसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल लाइन ओपन है, आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAA, या फिर हमारे मोबाइल नंबर जो दिल से दिल तक का सीजन 3 का जो एक ऑफिशियल नंबर 9015173846, इस पे आप हमें छोटी सी मिस कॉल दें और शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहरहाल बारी आ गई है एक और गाना इनका रिकॉर्डेड, वो गाना हम आपको जरूर सुनाते हैं। इस गाने को सुने हम आएंगे प्रतीक के पास वापस और कुछ सवाल अभी उनसे और पूछने, तो इस गाने को एंजॉय करें, हम आते हैं आपके पास इस गाने के बाद।
वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, यह है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन थ्री। मैं हूं आरजे नरेश कुमार। और जैसे ही हमने अपने लिसनर्स को बोला कि आप हमारे साथ आए, बात करें प्रतीक के साथ और उनसे क्या पूछना चाहते हैं वो भी, और क्या जानना चाहते हैं उनके बारे में वो भी बिल्कुल, तो लिसनर्स भी हमारे साथ शो में जुड़ गए हैं। और चलिए प्रतीक से बात करते हैं पहले थोड़ी सी, जो थोड़ी सी बात उनसे मैं जानना चाहता हूं क्योंकि बहुत छोटे हैं प्रतीक अभी, तो थोड़ी सी बात उनसे करते हैं और अपने लिसनर को भी साथ में जोड़ेंगे उसके बाद। प्रतीक बताएं कि अभी आपने बताया कि फिफ्थ क्लास में है और साथ में म्यूजिक के इतने सारे शो करने होते हैं, प्रैक्टिस करनी होती है, तो स्टडी के साथ कैसे सब कुछ मैनेज होता है? मैं स्कूल से आके दिन में स्टडी करता हूँ, फिर शाम को खेलने जाता हूँ, फिर मैं म्यूजिक की प्रैक्टिस करता हूँ एक तक। ओके प्रतीक, कितना टाइम देते हैं म्यूजिक की प्रैक्टिस के लिए? 2 hours। 2 hours सुबह शाम या एक ही टाइम? ये सुबह शाम। सुबह शाम 2 hours देते हैं प्रतीक पढ़ने के लिए। चलिए लिसनर्स, हमारे साथ दो लोग जुड़े हुए हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से, जी विलासपुर से शायद हमारे साथ रामनारायण कश्यप जुड़े हुए हैं। रामनारायण जी बहुत बहुत स्वागत है शो में आपका। जी सर, हेलो। जी हेलो। बिल्कुल प्रतीक से बात कर सकते हैं? जी सर। हाँ प्रतीक सर, मैं ये जानना चाहूंगा आप आगे चल के गायक ही बनना चाहेंगे? मैं आगे चलकर सिंगर बनना चाहता हूँ, एक प्लेबैक सिंगर। जी जी जी। और सर आपको मैं ये जानना चाहूंगा आपके फेवरेट सिंगर कौन है सर इस समय? इस वक्त मेरे अरिजीत सिंह जी मेरे अरिजीत सिंह जी, अरिजीत इनके फेवरेट सिंगर हैं। तो अरिजीत का कोई गाना प्रतीक आप सुनाने वाले हैं? मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो,
जिया जाए ना जाए ना जाए ना बुरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना बुरे पिया रे। ओरे लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा। जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे। तो ये अरिजीत का गाना जो रामनारायण कश्यप जी आपके लिए हमने खास तौर पे सुनवाया, आपने पूछा नहीं था फिर भी हमने आपको सुनवा दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया शो में पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। और इसके साथ साथ हमारे साथ सरिता भी जुड़ी हैं जो इस टाइम बीदर कर्नाटका से हमारे साथ हैं। सरिता आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शो में, और आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं प्रतीक से। जी थैंक यू सो मच जी। हेलो प्रतीक, माय नेम इज सरिता। यस हाँ, मैं आपको बहुत देर से सुन रही हूँ और Hello? आपके गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। थैंक यू प्रतीक, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप कौन से शहर से हो? मैं दिल्ली से हूँ। और आपने जो अभी मैंने आपके वो रिकॉर्डेड गाने सुने हैं, क्या वो ओनली ऑडियो सॉन्ग्स है या फिर वीडियो सॉन्ग्स भी है? वीडियो वीडियो है। ओके थैंक यू। और मैं ना आपसे एक गाना सुनना चाहती हूँ, कोई भी मुझे नया गाना सुना दो। आपने तो रिकॉर्डिंग सुना था वो जी, संस्कार है। संस्कार जी, वो कह रहे हैं कि जो संस्कार टीवी है, डीडी संस्कार, उस पे भी आप उस गानों को देख सकते हैं। वीडियो गाने हैं, उनको आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे प्रतीक सफर के नाम से, तो भी आपको सरफ के नाम से वहाँ पे मिल जाएगा। प्रतीक ये बताएं कि जब पहली परफॉर्मेंस दी थी, सबसे पहली परफॉर्मेंस आपने स्टेज पर कब दी और कैसा टाइम था वो, कैसे याद करते हैं? जब मैंने पहली परफॉर्मेंस दी थी जी, तब मैंने एक वैकल्पिक सॉन्ग गाया था, सॉन्ग का ए मेरे वतन के लोगों। कितनी एज थी इस टाइम आपकी? तब तो 6 इयर्स। अच्छा, तो ये परफॉर्मेंस कहाँ पर हुई थी आपकी? ये गली में ही, हमारी कॉलोनी में हुई थी जी। तो कैसा रिस्पांस था, लोगों ने कितना पसंद किया? लोगों ने काफी पसंद किया और काफी तारीफ भी की मेरी। जब आप गाना गाते हैं कहीं पर और कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं, तारीफ करते हैं, तो कैसा फील होता है, क्या लगता है? तब मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है जब मुझे कोई अप्रिशिएट करता है, जब मेरी कोई तारीफ करता है। और प्रतीक को सिंगिंग के अलावा और क्या क्या पसंद है, क्या क्या करना अच्छा लगता है? मुझे गेम्स में क्रिकेट पसंद है। गेम खेल, क्रिकेट खेलते हैं। Yes. और गाने सुनना नॉर्मल सा है, बहुत गाने जरूर सुनते हैं। ठीक है, ये प्रतीक हैं और आप हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे शो में। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको हमारी स्काइप आईडी पर कॉल करना है, रेडियो उड़ान RADIOUDAA, या आप भी रामनारायण कश्यप जी की तरह हमारे मोबाइल नंबर 9015173846 पर छोटी सी मिस कॉल देंगे, उसके बाद हम आपको शो में पार्टिसिपेट करवाएंगे, आप प्रतीक से बात कर सकते हैं। मनोज सर, आपसे एक सवाल है कि जब ये पता चला कि प्रतीक में बहुत अच्छा टैलेंट है और काफी अच्छा गा सकते हैं, तो इनकी जो पहली परफॉर्मेंस थी टीवी पर, उसके लिए आपने कैसे तैयारियां करवाई और कैसे लाना ले जाना हुआ, वो कुछ बताया जरा, कैसा एक्सपीरियंस था? इसकी टीवी परफॉर्मेंस सबसे पहले हुई थी इलाहाबाद कुंभ के मेले में जी, जो दिव्य टीवी पे इसका सॉन्ग, इसी के एल्बम का जो लाइव टेलीकास्ट हुआ था इलाहाबाद जो कुंभ मेले से। उसके बाद तो टीवी पे तो काफी बार आ चुका है ये, और क्लासिकल सिंगिंग मैंने सीख रहा है जी।
तो क्लासिकल सिंगिंग सीख रहे हैं, अभी उसका भी एक नमूना आपके लिए पेश जरूर करवाएंगे हम प्रतीक से ही। बहरहाल चलिए एक गाना और इनका जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, इस गाने को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रतीक किस सिर्फ भजन नहीं गाते हैं और भी दूसरे गाने हैं जिनको गाना पसंद है। और इन्होंने अभी बोला था कि इनकी जो पहली परफॉर्मेंस इन्होंने एक मेरे वतन के लोगों गाया था, वो रिकॉर्डिंग तो हमारे पास फिलहाल अवेलेबल नहीं है इनकी, मेरे पास एक दूसरी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है वो मैं आपके लिए प्ले करता हूँ, उसको सुने एंजॉय करें। हम आते हैं आपके पास इस गाने के बाद। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 3। मैं हूँ आरजे नरेश कुमार और आज हम कर रहे हैं आपके लिए स्पेशल गेस्ट का शो, जिसमें आज हमारे स्पेशल गेस्ट है दिल्ली से प्रतीक सरफ, जो सिर्फ 13 साल के हैं, बहुत सारे अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं, उनकी भी बात हम आपके साथ करेंगे। इन्होंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ गाना गाया हुआ है, वो भी आपको बताना है। तो चलिए प्रतीक से पहले वो वाली बात करते हैं जो मेरा भी मन है पूछने का कि किस किस के साथ उन्होंने
अपनी सिंगिंग शेयर की, किस किस के साथ गाया और कैसा एक्सपीरियंस रहा? प्रतीक बताएं आपने किस किस सेलिब्रिटी या प्लेबैक सिंगर के साथ गाना गाया है लिसनर्स को? मैंने सुरेश वागेकर जी और श्री अनूप जलोटा जी और काफी सारे लखवीर सिंह लखा जी और काफी सारे सेलिब्रिटीज के साथ मैं गा चुका हूँ और मैंने कई सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। मेरी आवाज सुनो जयपुर से सवाई मानसिंह विद्यालय, अनुराग सिंह अनुराग संगीत संस्था और संगम कला ग्रुप बाल कला उत्सव संस्कार भारती। तो मैंने अवार्ड इनमें सबसे पहला अवार्ड कौन सा है जो आपने सबसे पहले जीता था? सबसे पहले तो मैंने कॉलोनी का ही जीता था। ओके, इन्होंने अपने आस जो कॉलोनी में जो प्रोग्राम हुआ वहाँ पे सबसे पहला अवार्ड जीता था। और आसपास से जो चीज़ें मिलती हैं उनकी अपनी इम्पोर्टेंस होती है, जब आपके अपने लोग रिकॉग्नाइज करें, आपके आसपास के लोग रिकॉग्नाइज करते हैं तो बहुत मज़ा आता है। सर आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा मैं कि किस तरह से मैनेज करते हैं अपना, आपकी वर्किंग भी है, आप ऑफिस का भी काम होता है, प्रतीक के साथ जब कहीं परफॉर्मेंस होती है तो उनको साथ लाना ले जाना भी करना पड़ता है, तो उस टाइम पे कैसे मैनेज होता है सब कुछ? ऐसे अपने छोटा सा एक अपना मैन्युफैक्चरिंग है तो छोटा भाई साथ है, उन्हीं के कारण वो देख लेता है कहीं पे भी मैं जाता हूँ। और लेकिन इसके प्रोग्राम में चाहे मैं जाऊँ, इसकी मम्मी जाए, इसके दादा दादी इसके साथ जरूर जाते हैं, कोई भी प्रोग्राम इसका मिस नहीं होने देता। कभी कोई प्रोग्राम ऐसा याद आता हो जब बड़ी मुश्किल हुई हो आपको जाने में, बड़ी प्रॉब्लम के बाद वहाँ पे आप प्रतीक को ले जा पाए हो, उसके बाद परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही हो? ऐसा तो शायद गणेश चतुर्थी के टाइम की बात है जी। और इसका स्टेज शो था काफी बड़ा रिपोर्ट में, तो उस टाइम इतना जाम लगा हुआ था, लेकिन आखिर में हम टाइम से पहुंच ही गए। और वो था प्रोग्राम, उसके अंदर इसकी परफॉर्मेंस उस्ताद जाकिर हुसैन जी के प्रोग्राम की शुरुआत इसी को करनी थी। ओके, तो वहां पे मुश्किल हुई लेकिन टाइम पे पहुंच गए थे। हाँ, टाइम से पहुंच गए, थोड़े से लेट वेट, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा उनके साथ, और इसने फोटो भी खिंचवाई और प्रोग्राम इसका बहुत अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया। स्वाति मैम बताएं कि प्रतीक ने बहुत सारे गाने गाए हैं, बहुत कुछ सुनाया होगा कभी घर पे भी परफॉर्मेंस में, कौन कौन से ऐसे गाने हैं जो बहुत याद रहते हैं हमेशा? उसको मेन तो अनूप जलोटा जी के जो भजन है वो काफी सारे याद है, और मोहम्मद रफी जी के गाने उसको बाई हार्ट काफी सारे याद रहते हैं, ज्यादा पुराने तो, गाने जैसे ये है, और वैसे इतने सारे गाने याद आते हैं, कभी जैसे बहुत टाइम हो जाता है, साल डेढ़ साल बीत जाता है, लेकिन थोड़ा सा हम जरा सा रिवाइज करवा देते हैं ना उसको, जैसे एक दो बार सुन लेगा तो वापस फिर उसको फिर याद हो जाता है। और जैसे कॉलोनी में भी कहीं पे भी कोई भी जैसे सबको पता चल जाता है तो सब इसको बोलते रहते हैं कि प्रतीक आप, जैसे बड़ी एज की जो आंटीज वगैरह होती है वो बोलती रहती है, कभी उनका मन किया कि प्रतीक चल एक भजन सुना दे। अच्छा, तो ऐसे वो है सुना देता है। आपको प्रतीक की आवाज में कौन सा गाना सबसे अच्छा लगता है अगर चूज करना पड़े तो? मुझे अनूप जलोटा जी के भजन इसकी आवाज में बहुत अच्छे लगते हैं। आज कौन सा सुनेंगे बताइए, हम प्रतीक से आपके लिए गाना सुनवाएंगे आज। अच्छा, मुझे वही ऐसी लागी लगन जी। प्रतीक, मम्मी की डिमांड है। है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में,
जीवन रंग किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरे राम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर दिया मर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया कर। जी शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनकी आवाज़ हमारे पास नहीं आ रही। बहरहाल जब तक हम प्रतीक की आवाज़ आपके पास वापस लाएं, उनका गाना ये वाला सुनवाएं। उनका एक और गाना मेरे पास है रिकॉर्डेड, वो गाना मैं आपको ज़रूर सुनाता हूँ। इस गाने को सुने, तब तक हम उनके साथ वापस आएंगे, आपसे बात कराएंगे उनसे। लेकिन ये गाना उन्होंने जो गाया था ये भी इनकी स्टोज परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। इसको सुने, इंजॉय करें, हम आते हैं आपके पास वापस इस गाने के बाद। कैसे घर जाऊं, कैसे
वेलकम बैक, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, यह है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 3। मैं हूँ आरजे नरेश कुमार, और थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू था जिसकी वजह से प्रतीक की आवाज हमारे पास नहीं आ पा रही थी, लिसनर्स तक नहीं जा पा रही थी इनफैक्ट। तो चलिए अभी प्रतीक हमारे साथ वापस हैं शो में, और उनसे जो बात मैं कर रहा था अवार्ड्स की बात हमने उनसे कर ली थी, इसके अलावा सेलिब्रिटीज के साथ उन्होंने गाना गाया और वो क्लासिकल सिंगिंग आजकल सीख रहे हैं। और प्रतीक ये बताएं कि इसके जो जब म्यूजिक सीखते हैं तो किस तरह के आपको परहेज करने पड़ते हैं, किस किस चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कुछ बताएं लिसनर्स को। जैसे परहेज की बात करें तो ठंडा आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ये सब खाना पीना मना होता है एक सिंगर के लिए। हाँ हाँ, ये सब मना होती है सिंगर्स के लिए। तो प्रतीक का कभी मन नहीं करता कि ये सब खाने का या पीने का? करता तो है, लेकिन क्या करे, अब सिंगर बनना है जी। तो कभी कभी चोरी से कुछ खाया फ्रिज से निकाल के? नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं खाया। ओके, अभी तक नहीं खाया, बहुत ईमानदार बच्चे हैं ये, हमारी तरह नहीं है बहुत शरारती। तो ये खास बात है जब ये डेडिकेशन आपके पास हो कि आप सिंगर बनना चाहते हैं, और जब बहुत बच्चे टेंटेटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा इस एज में होते हैं जहाँ उनका बहुत मन करता है ये भी खाना है वो भी खाना है, ये भी चेक करना है वो भी करना है, और प्रतीक अपने आप को कंट्रोल करके कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने आप को बनाए रखें। प्रतीक ये बताएं कि स्कूल में म्यूजिक के लिए किस तरह से सपोर्ट मिलता है आपको? स्कूल में जैसे कभी कभी क्लास में जैसे कहते मेरे फ्रेंड्स वगैरह कि ना प्रतीक एक गाना सुना दे, और स्कूल में सबको पता कौन सा गाना अच्छा लगता है, दमादम कलंदर, सबसे ज्यादा तो वही कहते हैं मुझे। और या वैसे कभी भैया कहते हैं कि सुना दे ऐसे, और टीचर्स कौन सा गाना सुनते हैं? यूट्यूब पे मेरी वीडियोस देखी है। तो टीचर्स में टीचर्स कौन कौन से गाने सुनते हैं, और कौन कौन से मतलब कौन है जो म्यूजिक क्लास लेते हैं स्कूल में? वैसे तो हमारी स्कूल में म्यूजिक का इतना कुछ है नहीं, पर अब जैसे मैं गाना सुनाता हूँ तो सबको अच्छा ही लगता है स्कूल में। अच्छा, और प्रतीक ये भी बताएं लिसनर्स को कि जब कभी आपको परफॉर्मेंस के लिए कहीं बाहर जाना होता है या परफॉर्म करने के लिए कुछ दो तीन दिन की छुट्टी लेनी हो तो स्कूल क्या करता है, सपोर्ट करता है, मना तो नहीं करता, जाने देते हैं, परमिशन दे देते हैं, अटेंडेंस कम नहीं होती? नहीं नहीं, ऐसे परमिशन तो दे देता है स्कूल और सपोर्ट भी करते हैं, ऐसी तो कोई बात कौन से। और जैसे मेरे टेस्ट, जैसे यूटी टेस्ट होते हैं ना जी, तो वो जैसे आगे ले लेते हैं मेरे, बाद में ले लेते। ओके, यूटी टेस्ट अगर इनकी परफॉर्मेंस के टाइम पे होता है तो उसको आगे बढ़ा दिया जाता है, ऐसा प्रतीक बता रहे हैं। प्रतीक तो हमें भी लिसनर, हमको और मुझे भी और लिसनर्स को भी सुनाने वाला गाना मस्त कलंदर वाला। ओ, 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 लाल मेरी पत रखियो बला झूले लाल, ओ लाल मेरी पत रखियो बला झूले लाल, सिंदर दा सेवर दा सती शाबास कलंदर, दमा दम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर, दमा दम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। ओ लाल मेरी हो, ओ लाल मेरी, चार चराग तेरे वरन हमेशा, चार चराग तेरे वरन हमेशा, चार चराग तेरे वरन हमेशा, पंजवा में बारन आई बला झूले लाल,
ओ पंजवा में बारह ओ पंजवा में बारह आए भला झूले लाल सिंगरदा सेवरदा सती शाबास कलंदर दमा दम मस्त कलंदर अली दम दम दे दमा दम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर हो लाल मेरी हो लाल मेरी। बहुत खूब ये गाना था जो प्रतीक हमारे साथ शेयर कर रहे थे, और इनफैक्ट ये इस गाने की रिकॉर्डिंग मेरे पास भी अवेलेबल नहीं थी, तो चलिए इस बहाने हमें ये गाना सुनने को भी मिल गया। और बिल्कुल हम शो के आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए हैं जहाँ पे हमारा टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है, और कुछ मिनट और हम ले सकते हैं प्रतीक के साथ। और उनका एक गाना जो मैं आपको सुनवाऊंगा, वो सुना रहे थे पहले, उसको पूरा नहीं सुना पाए थे कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से, तो चलिए उस पर भी हम जरूर आएंगे। बहरहाल आप दोनों से एक सवाल है मेरा कि किस तरह के मैसेज या क्या कहना चाहते हैं आप अपने लिसनर्स को जो इस टाइम आपको सुन रहे हैं, प्रतीक को सुन रहे हैं, और किस तरह से बच्चों को वो करने दिया जाए जो उनका मन करता है या जिसमें उनका टैलेंट है। कई बार आपने देखा होगा कि मम्मी पापा अपनी बातें बच्चों पे थोपते हैं कि तुमको यही करना है, तो उस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? मेरा तो सभी पेरेंट्स से ही कहना है, बच्चे को जो उसकी इच्छा हो वो करने दिया देना चाहिए, जिसके कारण वो अपने उस लक्ष्य को आगे हासिल करे, ना कि अपनी तरफ से कि ये चीज करनी है बेटा तुझे ये करनी है। क्योंकि अब ये म्यूजिक सीखता है तो इसको म्यूजिक में पूरा सपोर्ट, इससे छोटा है वो क्रिकेट में जाना चाहता है तो उसके लिए उसको क्रिकेट के लिए, और उससे की बड़ी बहन है प्रतीक की, वो पढ़ाई में मतलब दिन रात पढ़ती रहती है, बाकी अब उसके टैलेंट और भी है लेकिन वो उसमें ज्यादा इंजॉय करती है, तो उसको वो कर देना चाहिए, तभी बच्चा आगे बढ़ पाएगा, ना कि उस पर प्रेशर डाला जाए। स्वाति मैम बताएं कि लिसनर्स को बताएं कि जो लोग हमें सुन रहे हैं या जिनके बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम है या छोटी मोटी डिसेबिलिटी है, या अगर डिसेबिलिटी ना भी हो तो मम्मी का रोल क्या है, एक माँ कैसे अपने बच्चे को तैयार करे उसके टैलेंट को निखारने के लिए और उसका टैलेंट सबके सामने आए, और किस तरह की मेहनत करनी पड़ती है? हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी? हाँ जी, क्या पूछा सर आपने? मैं यहाँ 3-2 मिनट जी जी मैं ये कह रहा था कि मम्मी का रोल किस तरह से होता है कि बच्चों को तैयार करना है, उनकी डिसेबिलिटी हो या ना हो एक अलग मैटर है, लेकिन मम्मी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, साथ में बच्चे को तैयार करना है और उसका जो टैलेंट है उसको निखारना है, उसको तैयार करना है बच्चे को, उसके लिए तो कैसे देखते हैं वो, कैसे कितने जिम्मेदारी वाला काम है, कैसे करना है? जिम्मेदारी का तो खूब होता है, अगर बच्चे का पूरा पूरा सपोर्ट मिल जाता है तब तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। और अगर टैलेंट देखो, अगर किसी में नेचुरल टैलेंट है तब तो फिर उसके साथ इतना नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो खुद ही उसे उसी चीज की लगन होगी। एक ये होता है कि हम एक जबरदस्ती किसी से कुछ करवाते हैं तो आपको बार बार बोलना पड़ेगा, लेकिन जैसे मेरे घर का एटमॉस्फेयर ये है कि हम किसी बच्चे पर कोई चीज थोपना नहीं चाहते, जैसे जिसका मन है, अगर किसी का पढ़ने का मन है तो उसको पढ़ लो, ये नहीं कि तुझे ये बनना है तो तू दिन रात ऐसा कर, ये चीज है। और प्रतीक में जैसे आपको बताया हमने पहले कि जैसे शुरू से था इसका, जैसे वो सुबह उठता है, उठाना पड़ता है उसके लिए, 2-3 बार बोलना पड़ेगा, फिर वो उठ जाएगा तो अपने आप वो तानपुरा अपना लेके अपना रियाज करने बैठ जाएगा, सुबह उसका रियाज उसका होता है, फिर जैसे शाम को उसका प्रैक्टिस करता है, तो दोनों टाइम उसका है, तो उसके लिए उसको बोलना नहीं पड़ता, अपने आप ही कर देता है जैसे भी हो। और कभी ऐसा होता है कि कुछ हो रहा है तब इसको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है तो उस हिसाब से वो अपना कर लेता है, और मुझे भी उसके हिसाब से करना पड़ता है, क्योंकि इसकी स्टडी के बीच में और प्रैक्टिस म्यूजिक प्रैक्टिस के बीच में दोनों के बीच में बैलेंस भी उठाना पड़ता है। एग्जाम्स वगैरह होते हैं तब थोड़ा सा मुश्किल होती है, लेकिन उसका रियाज से भी छूटता नहीं है, उसके हिसाब से तालमेल अपने आप बैठ जाता है, ये चीज हो जाता है। बाकी बच्चे भी जो है वो भी कर लेते हैं जैसा है, बल्कि मुझे लगता है उनके साथ मुझे ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है प्रतीक के बनिस्पत, उन दोनों उसके छोटे वाले के साथ ज्यादा बनिस्पत उसको मुझे ज्यादा बोलना पड़ता है। अच्छा, ये अपने आप कर लेता है, प्रतीक के साथ इतनी नहीं करनी पड़ती।
बोलने में। अगर मैं आप दोनों से एक एक बात पूछूं कि बारी बारी से आप बताएं कि तीन तीन बातें ऐसी जो प्रतीक में आपको अच्छी लगती हैं या कभी बस तंग करता है कभी शरारती लगता है, तो नॉर्मली बच्चे जब इस एज में होते हैं तो कुछ शरारती भी होते हैं कुछ अच्छी बातें भी लगती हैं, तो कौन कौन सी बातें आप दोनों याद करना चाहेंगे? तीन तीन बातें तीनों बिल्कुल अलग अलग। जैसे ये हो जाता है ना कि अपने छोटे भाई को देखता है तो उसको ये लगता है कि वो ये करता है तो मैं ये क्यों नहीं करूं, तो उसकी वजह से वो शरारत करता है। अच्छा उसकी वैसे उसका मतलब बड़ा शांत नेचर है उसका, लेकिन उसके कि जब ये वो पुलकित ऐसा कर रहा है तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूँ, तो फिर कई बार ये थोड़ा सा नोटी हो जाता है। बाकी अच्छा है कि ये बातें सुन लेता है अपने से बड़ों की, कोई भी उसको कहता है तो ये कर लेता है। इवन छोटे छोटे काम के लिए कभी मैं उसको बोल देती हूँ, जैसे उसके लायक जो है तो वो मेरी हेल्प भी कर देता है घर के छोटे छोटे काम में, जो ये कर सकता है वो मैं उसको बोलती हूँ तो। और दूसरी ये है कि मतलब जैसे ही वो अपना काम, जैसे इसको जो करना होता है वो अपना काम वो खुद आके ही कर लेगा, जैसे स्कूल से आके उसको पता है मुझे बैग कहाँ रखना है अपना, फिर उसमें से लंच निकालना है, तो ये सब चीज मुझे उसकी बहुत अच्छी लगती है कि वो सब चीज अपने आप अपना कर लेगा जी। और तीसरी एक ये है कि इसको गुस्सा नहीं आता कभी भी, बिल्कुल भी एकदम हाँ बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। नहीं तो आजकल की जनरेशन में बच्चों में कितना गुस्सा होता है, छोटे छोटे बच्चों में भी, लेकिन इसको प्रति को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। तो और एक जी 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 माइनस पॉइंट में बस यही है कि एक इसकी गर्दन है ना बहुत घूमती है, इसको हम बोलते हैं रोटेट करती रहती है, तो उस चीज के लिए बहुत टोकना पड़ता है हम लोगों को कि प्रतीक सीधे बैठो, ऐसे अच्छा नहीं लगता आप इतने स्टेज शो करते हो। हाँ वहाँ पे नहीं होता, जैसे ये आइडली बैठा रहेगा तब इसकी गर्दन घूमने लग जाती है। ओके। तो वो चीज है। तो जब प्रतीक को गुस्सा नहीं आता तो प्रतीक नाराजगी कैसे बताता है अपनी? कभी बोल नाराज के बता देते हैं, बोल के बता देते हैं जी कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, पर ऐसे गुस्सा करके जैसे जनरली जैसे बच्चे करते हैं ऐसे नहीं करता, पर ऐसा बहुत कम होता है इसके साथ में। मुश्किल से कोई ये इतना बड़ा हुआ है तो मुश्किल से दो चार बार ऐसा हुआ होगा तो ये बोल देता है कि मेरे को गुस्सा आ रहा है, जो भी ऐसा मुझे एक्चुअली इंसिडेंट याद नहीं आ रहा, लेकिन इतना ज्यादा ऐसा हुआ नहीं कि इतना हाइपर कभी हुआ होगा, वो ऐसा होता है तो बोल देता है जी। मनोज सर आपकी बारी। हाँ जी। कुछ तीन बातें। एक तो इसको घूमने का बहुत शौक है, इतना ज्यादा जो मतलब मेरे को भी बहुत शौक है तो इसको भी मेरे साथ साथ बहुत बहुत ही ज्यादा शौक, और उसकी सारी याददाश्त रहती है कहाँ गया कैसे घूमा क्या किया क्या नहीं। और दूसरा इसकी मतलब मम्मी इसको कोई बात कहे 10 बार भी कहेगी तो भले ही ना सुने, मैं एक बार कह दूंगा तो ये तुरंत समझ जाता है, तुरंत सुन लेता है। ओके। मेरी और अपनी दादी की दोनों का तो सबसे ज्यादा लाडला है। तो पापा फेवरेट बॉय। और बात भी एकदम से तुरंत मानता है, एक बार कहते ही इसको कह दिया यहाँ बेटा अभी नहीं जाना अपन ऐसे वहां चलेंगे तो बस तुरंत इसके एक बार में समझ में आ जाता। अच्छा। और कोई बात ऐसी याद आती है आपको जब प्रतीक सबसे ज्यादा क्यूट लगा हो या कभी बहुत गुस्सा आया हो कभी प्रतीक पे, कभी कुछ नाराज हुए हो आप, कभी डांटना पड़ा हो, कुछ ऐसा याद आता हो? हाँ डांटता भी हूँ इसको, क्योंकि डांटे बिना तो फिर इसको समझ में नहीं आएगा कि डांट क्या होती है, कि डांट खाना भी जरूरी है, क्योंकि अब ये छोटा था जैसे कभी कुछ बदमाशी करता तो इसको समझाता हूँ मैं कि जब तक डांट नहीं खाता है ना, जैसे इसको उदाहरण दे के भी समझाता हूँ कि जैसे थोड़े से चोट लगती है ना वैसे बच्चों को भी डांटना पड़ता है। अच्छा। अभी जस्ट अभी एक कनाडा से आए थे जगप्रीत बाबा, तो उनको देख के इसको मैंने बताया देख इनको देख वहां से यहाँ आए और अपना नाम रोशन करके गए पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, तो इस तरह से तेरे को भी आगे जाके नाम तो रोशन हमारा भी होगा लेकिन अपनी मतलब आईडी खुद अपनी बनाएगा पूरे हिंदुस्तान का पूरे वर्ल्ड। बिल्कुल अपनी आइडेंटिफिकेशन खुद बनानी है।
तो ये सपोर्ट है जो आप देख रहे हैं, माता पिता कितना सपोर्ट करते हैं बच्चों को, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और शो के लास्ट में एक जो चॉइस मेरे पास है, जो एक दो लिसनर्स के बारे चॉइस भी थी कि हम कुछ क्लासिकल सुने, शो से पहले हमको मिला था, तो चलिए प्रतीक भी तैयार है उसके लिए। प्रतीक, आज लिसनर्स को क्लासिकल में जो आप मेनली सीख रहे हैं उसमें क्या सुनाना चाहेंगे? मैं राग्यमन का छोटा ख्याल सुनाना चाहूंगा। जी रे गा म पा म रे गा रे रे यारी या बिना सखी रे यारी या बिना सखी कलना परत मोहे घारी पल छीन दिन कलना परत मोहे घारी पल छीन रे यारी पिया बिना सखी जब से पिया परदेस गन कीनो जब से पिया परदेस गन कीनो रतिया कटत मोरे तारे गिन रे सखी रे यानि पिया बिना रे सखी रे यानि पिया बिना गारे निरे सा रे यानि पिया बिना गा म प निदा प म ग रे सा रे यानि प ध म प निदा प म ग रे सा रे यानि पिया बिना गमधाने सा जब से पिया पर आ, आ, जब से पिया पर दे सगन कीनो मधा निरे सा जब से पिया परदेस गन कीनो रतिया कटत मोरे तारे गिन रे यारिया बिना सखिया रे यार पिया बिना सखी जब से पिया पर आ जब से पिया पर आ जब से पिया
परदेश गवन कीनो रतिया कटत मुर तारे गिन गिन बहुत खूब बहुत खूब। ये यमन में इन्होंने कुछ आपको सुनाया जो छोटा ख्याली गा रहे थे और बहुत ही खूब। और प्रतीक बहुत अच्छा गाया आपने। और लिसनर्स देखिए, जब हम बात करते हैं और बात करते करते वक्त का पता नहीं चलता कितना वक्त हो गया। हम जितना टाइम शो को मिलता है उससे ज़्यादा एक्सीड कर चुके हैं। आखिरी चलते चलते सिर्फ प्रतीक को हम अपने पूरे उड़ान की टीम की तरफ से, सभी लिसनर्स जिन्होंने हमारे साथ शो सुना, पार्टिसिपेट किया और जहाँ से भी आप हमें सुन रहे हैं इस टाइम, सब की तरफ से हम प्रतीक को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि प्रतीक आगे जाके जो लाइफ में बनना चाहते हैं, प्लेबैक सिंगिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल बने। बहुत कामयाबी उनके कदम चूमे और जो उनके मम्मी पापा का डेडिकेशन है, उनके लिए समर्पण है, डिवोशन है, बहुत मेहनत ला रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी ऐसी मेहनत रंग लाती रहेगी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शो में पार्टिसिपेट करने के लिए और शो में इतना लंबा टाइम देने के लिए। धन्यवाद सर, हमें भी बहुत खुशी हुई आपसे। धन्यवाद, थैंक यू। तो लिसनर्स, ये हैं प्रतीक अग्रवाल, प्रतीक सफर जो हमारे साथ, सरफ जो हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे थे और उनके मम्मी पापा, और शो में एज ए स्पेशल गेस्ट हमारे साथ शामिल हुए। आज हमने उनको शुक्रिया कहा और अब वक्त आ गया कि मैं भी आपसे विदा लूं और इस प्रॉमिस के साथ कि नेक्स्ट थर्सडे को यानी कि अगले जुम्मा रात को ठीक 10 बजे आपके साथ इसी शो में फिर शामिल होंगे, किसी नए मौजू के साथ लेके आपके साथ बात करेंगे। इस पूरे शो को आपको सुनकर कैसा लगा, प्रतीक के बारे में आप अपने विशेष, उनके सिंगिंग के बारे में आप कुछ कहना चाहें तो बिल्कुल हमको मैसेज कर सकते हैं हमारे स्काइप आईडी रेडियो उड़ान और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9015173846 या वेबसाइट विजिट करें www.radioudan.com। फीडबैक सेक्शन में जाके अपनी राय, सलाह और तारीफ, एप्रिसिएशन जो भी आप कहना चाहें प्रतीक के लिए या शो के लिए वो आप हमें सेंड कर सकते हैं। उस गाने के साथ जो प्रतीक की मम्मी प्रतीक से सुनना चाहती थी और किसी वजह से वो गाना पूरा नहीं हो पाया, चलिए वो गाना प्रतीक की आवाज़ में हम आप सबको उनकी मम्मी के साथ साथ मम्मी को स्पेशली डेडिकेटेड और सभी लिसनर्स को डेडिकेट करता हूँ। और अब वक्त हो गया कि बिल्कुल कह दूं बाय बाय। सो कीप लिसनिंग रेडियो डॉन फ्लाइट ऑफ लाइफ, हैप्पी लिसनिंग। आप सभी का मेरा नमस्कार। सरे गे गा गे गा सरे ग पगर सनी रे सनी पानी रे म सरे नी धरे सा जोरदार तालियां, क्या बात है, क्या बात है। जो शाम का दर्शन किया करे है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे की है हाथ।
करे, मर कर भी आमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो। क्या बात है, रूप चुलोटा जी ने आशीर्वाद दिया है 1000 की शक्ति में। Yeah.